वेलकम टू आर फ्रेश एंड न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे सेंट्रल पार्क एंड देखेंगे सेंट्रल पार्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पार्क कैनॉट प्लेस शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं सीपी में सिचुएटेड है, जिसका नेम रीनेम करके राजीव चौक कर दिया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस पार्क में मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होते हैं वो हैं फॉरेनर्स या यंगस्टर्स जो अपनी क्लास या कॉलेज बंक करके आते हैं, या ऑफिस एम्प्लॉयज जो कि अपना लंच करते हैं यहाँ पे, या शादी के लिए लड़की देखने आए फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आते हैं जो मीटअप करते हैं आपस में, उस टाइप के कामों के लिए ये प्लेस बहुत ही परफेक्ट है। आप जो ये कैनॉट प्लेस देख रहे हैं, इस जगह का नाम कैनॉट प्लेस ड्यूक ऑफ कैनॉट के नाम पर रखा गया था। अब आप देख सकते हैं कि राजीव चौक या सीपी का ये चौराहा है। मैं एक बार बता दूं कि राजीव चौक या सीपी कैनॉट प्लेस जो है हब है, हेडक्वार्टर्स ऑफ बिग इंडियन इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे मेनली बड़े बड़े बिजनेस के हेडक्वार्टर्स वगैरह यहाँ पे हैं। कैनॉट प्लेस को हार्ट ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। कैनॉट प्लेस सीपी अपने जॉर्जियन स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यहाँ पर बिल्डिंग्स दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं जिनको 12 रोड्स कनेक्ट करती हैं, जिसमें से जनपद रोड सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रल पार्क के अंदर और देखेंगे यहाँ पे पार्क कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। साथ ही साथ एडिशनल नॉलेज के लिए हम लोग यहाँ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ ही साथ देखेंगे। सेंट्रल पार्क का एरिया 41,500 स्क्वायर मीटर है। इस पार्क में 21 फाउंटेन सेट हैं और यह पार्क सारी पब्लिक के लिए सारे दिन खुला रहता है। दैट मीन्स मंडे टू संडे सातों दिन खुला रहता है। और इस पार्क में जाने के लिए आपको नो एंट्री फीस है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं लगते हैं। और आप देख सकते हैं फाउंटेन, यहाँ पे कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे, और अमेजिंग ये लगता है कि जो पीछे सॉन्ग चल रहा होता है वो और ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग लगता है। रात में यहाँ पे देखने में और ज़्यादा अमेजिंग लगता है। जो लाइट्स हैं आपकी वो बहुत ही बढ़िया व्यू देती हैं। अगर जो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए कि आप यहाँ पर आइए और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो बहुत ही केयरफुली लगाए गए हैं ताकि इस पार्क में हरियाली 12 महीने रहे, पूरे साल रहे, एवरग्रीन हरियाली रहे यहाँ पे। उस रीज़न से यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को लगाया गया है, जो कि प्लांट्स हैं अशोक, बॉटल ब्रश, गुलमोहर, रॉयल पाम, वाइट चंपा। इस पार्क का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है फाउंटेन एंड इंडियन फ्लैग। ये फ्लैग मैं आपको यहाँ पे पिक के जरिए दिखाऊंगा। ये है फ्लैग और ये फ्लैग जो है होस्ट किया गया था फर्स्ट टाइम 7 मार्च 2014 को। उस समय यह फ्लैग लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग था इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट